गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। हुण असीं तुहाडे लई लैके आए हाँ जिहड़े हुण आउण वाले पंजाब कॉन्सटेबल दे एग्जाम्स ने उहदे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनस और मोस्ट फ्रीकुएंट क्वेश्चनस जिहड़े पेपरस दे विच पुछे जा चुके ने प्रीवियस पेपरस दे विच वी, ते आपां हुण उहनां नूं कॉन्सटेबल दे एग्जाम दे विच वी तैयार करांगे। आपां अज दी एक सीरीज चलानी है वैसे कॉन्सटेबल एग्जाम दे, जो तक तुहाडा पेपर हो नहीं जांदा सीरीज दे विच जिन्ने वी पंजाब जीके दे क्वेश्चनस होणगे असीं उहनां सारिआं नूं कवर करांगे। हुण पंजाब कॉन्सटेबल दे एग्जाम्स दे विच जिहड़े आपां क्वेश्चनस कवर करने ने वो आपां ज्योग्राफी ऑफ पंजाब, हिस्टरी ऑफ पंजाब, ईको, उहदी पॉलिटी, सिखिज़म, उहदी वॉर्स, इस सारिआं दे नाल कवर करांगे। ठीक है, हुण देखो तुहाडे जिहड़े वी विच डाउट्स होणगे तुसीं मैनूं कमेंट सैक्शन 'च दस सकदे हो। ठीक है, और जिन्ने वी तुहानूं लगदा है कि किसी क्वेश्चन दे वी तुहानूं डाउट हैगा उह वी तुसीं मैनूं इहदे नाल नाल ही पुछ सकदे हो। ठीक है, हुण स्टार्ट करदे हां, वधदे हां अगे नैक्सट क्वेश्चन वल। द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पंजाब इज, सब तो वड्डी जिहड़ी लार्जेस्ट सिटी जिहड़ी है पंजाब दे विच केड़ी हैगी है। ऑप्शनस हैगियां ने अमृतसर, फिरोजपुर, लुधियाना, जलंधर। किसी नूं पता वैसे इहदा आंसर? अमृतसर, फिरोजपुर, लुधियाना, जलंधर, लार्जेस्ट सिटी ऑफ पंजाब। दीपक जी, कॉन्सटेबल दे पेपर दे विच मोस्टली सारे बच्चे जिहड़े ने पंजाबी ही समझदे ने, इसलिए मैं पंजाबी ही यूज़ कर रही हूँ, हिंदी नहीं बोल रही। लार्जेस्ट सिटी ऑफ पंजाब दा आंसर हैगा अमृतसर। ठीक है, एरिया वाइज लुधियाना जिहड़ा आ छोटा आ, लार्जेस्ट सिटी एरिया वाइज जदों तुसीं देख रहे हो इस चीज़ नूं उदों तुहाडे कोल अमृतसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वाल चल रहे हैं। व्हाट इज द ग्रीक नेम ऑफ रिवर जेलम, जिहड़ी जेलम रिवर हैगी है उहदा ग्रीक दे पहला जिहड़ा नाम सी उह की सीगा? ऑप्शनस ने हाइडस्पस, हाइड्रोटिस, हाइफिसिस, हेसीड्रोस। की हैगा इहदा आंसर? नो, एनीवन नोस? हाइडस्पस, हाइड्रोटस, हाइफिसिस, हेसीड्रोस। द राइट आंसर इज हाइडस्पस। हाइड्रोटस जिहड़ा सी नूं अगे कंटिन्यू करांगे कि किहदे विच किहदा इह ग्रीक नेम होएगा। सविता बिल्कुल ठीक कह रही नी, हाइडस्पस जिहड़ा हैगा ग्रीक नेम हैगा रिवर जेलम दा। नैक्सट क्वेश्चन वल चल रहे हां। वेयर आर द मास्टर पीसिज ऑफ गंधार स्टाइल प्रिजर्वड। कहिंदे पए ने कि गंधार स्टाइल जिहड़ा सीगा उहदा किहड़ा मास्टर पीस, उहनूं किस मास्टर पीस दे नाल प्रिजर्व किया गया या उहनूं बचा के रखा गया? ऑप्शनस ने चंडीगढ़, फिरोजपुर, जलंधर, लुधियाना। पहले मैं तुहानूं दस देवां गंधार स्टाइल जिहड़ा आ इह तुहाडा टाइम हैगा एंशियंट टाइम्स दा, जिथे तुहानूं तुहाडी मोहन जो दाड़ू की जिहड़ी प्रोपर एक तुहानूं आर्कीटेक्चर उहदा नज़र आंदा है कि उहनां दे ग्रेनरी सिस्टम सीगे, उहनां दे एक बिग बाथ सीगा, सिटैडल सिस्टम सीगे, इह सारे जिहड़े सीगे गंधार स्टाइल सीगा इहनां दा। ठीक है, हुण तुसीं दस सकदे हो कि किहदे विच असीं स्टाइल नूं प्रिजर्व कीता है? आंसर इहदा हैगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ नूं बनाया गया सीगा बाय ली कॉर्बुसियर जिहड़े फ्रेंच दे आर्कीटेक्ट सीगे, और चंडीगढ़ जिहड़ी सीगी एक ड्रीम सिटी सीगी पंडित जवाहर लाल नेहरू दी। चंडीगढ़ दा जिहड़ा पूरी तरह नाल तुसीं जिहड़ा अज दा टाइम देखदे हो जिद्दां उह बनिया होया आ, इह प्रॉपर उसी तरह दा जिस तरह नाल मोहन जोदाड़ो दे टाइम ते सी। ठीक है, नैक्सट चल रहे हां असीं। बचित्तर नाटक इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गुरु। बचित्तर नाटक जिहड़ा है किहड़े गुरु दी ऑटोबायोग्राफी, ऑटो दा मतलब हुंदा है जिन्ने खुद लिखी है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी किहड़े गुरु दी है? ऑप्शनस हैगियां ने गुरु हरगोबिंद सिंह जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी। जी हाँ बिल्कुल, गुरु गोबिंद सिंह जी दी ऑटोबायोग्राफी हैगी है बचित्तर नाटक। ठीक है, नेक्स्ट चल रहे हो। टाउन ऑफ तरन तारन वॉज फाउंडेड बाय, तरन तारन का जो टाउन हैगा है उन्होंने उसनु किन्ने फाउंड किया? गुरु अमरदास जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु रामदास जी, गुरु अंगद देव जी।
की होएगा द राइट आंसर? चलो राइट आंसर हैगा इहदा बी, गुरु अर्जन देव जी। इन्हां ने जिहड़ी तरन तारण की जिहड़ी सिटी है उहनूं फाउंड किया है। ठीक है, नैक्सट चल रहे हो। विच गुरु रोट आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ साहिब जी नूं किन्ने लिखिया? गुरु हरगोबिंद जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अर्जन देव जी। इहदा आंसर दस सकदा है कोई? आदि ग्रंथ साहिब जी नूं किन्ने लिखिया? हू रोट, विच गुरु रोट आदि ग्रंथ साहिब? डी, बिल्कुल गुरु अर्जन देव जी ने जिहड़ा है आदि ग्रंथ साहिब नूं लिखिया। तुसीं बाकी नूं देख सकदे, गुरु अंगद देव जी दूजे गुरु ने, इहनां दे समें ते तुहानूं पता ही है कि जदों तुहाडी दरबार साहिब दा बनना शुरू होएगा, हरिमंदर साहिब बनना शुरू होएगा, उस तों बाद जा के आदि ग्रंथ साहिब जिहड़े ने उह लिखे जाणगे। ते इह सारे 6वें गुरु ने, 10वें गुरु ने, और इह दूजे गुरु ने। 5वें गुरु दे टाइम ते वी इह चीज़ देखी गई है। हू लेड द फाउंडेशन ऑफ पंगी मिसल? पंगी मिसल दी फाउंडेशन किन्ने कीती? जय सिंह, हरी सिंह, फूला सिंह, कपूर सिंह। हू लेड द फाउंडेशन ऑफ पंगी मिसल? राइट आंसर इहदा हैगा बी, हरी सिंह। एग्जाम्स विच मिसला बारे बहुत बार पूछा जा चुका है, तुहानू हर मिसल दे फाउंडर दा नाम पता होना जरूरी हैगा। बी हैगा हरी सिंह। गुड, जिन्हां ने आंसर दिते ने। नेक्स्ट हैगा है, व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ चनाब? चनाब दा पुरातन नाम की है? चनाब दा पुरातन नाम की है? ऑप्शंस आर वैसा, रूपासा, सिंधु, अस्किनी। वैसा, रूपासा, सिंधु, अस्किनी, इहदे चो केड़ा जिहड़ा नाम है ओल्ड नेम हैगा चनाब दा? द राइट आंसर इज डी, अस्किनी जिहड़ा है पुरातन नाम हैगा चनाब दा। जिहड़े ओल्ड एंशियंट नेम्स ने या जिहड़े ग्रीक नेम्स ने रिवर्स दे, ये बहुत बार एग्जाम्स दे विच आ चुके ने। ठीक है, चनाब जिहड़ा आ उहदा पुरातन नाम सी अस्किनी। नैक्सट चल रहे हैं, हू वॉज मेड द रेजेंट ऑफ पंजाब स्टेट बाय ट्रिटी ऑफ लाहौर? हू वॉज मेड द रेजेंट ऑफ पंजाब स्टेट बाय ट्रिटी ऑफ लाहौर? कहिंदे कि रेजेंट कौन सीगे जदों ट्रिटी ऑफ लाहौर जिहड़ी है साइन कीती गई? रेजेंट दा मतलब हुंदा है कि हुण देश दी वागडोर किहदे हाथ दित्ती जाएगी। ऑप्शनस हैगे ने रणजीत सिंह, चतर सिंह अटरीवाल, राणी जिंदा, बदन सिंह। आंसर पता किसे नूं इस चीज़ दा? राइट आंसर इज राणी जिंदा। बच्चे जिहड़ी ट्रिटी ऑफ लाहौर साइन होएगी, ये होएगी 1946 दे विच। 1946 फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होएगी, पहली ब्रिटिश ते सिख की लड़ाई होएगी जिहदे विच ट्रिटी ऑफ लाहौर साइन की जाएगी। ठीक है, जिहदे विच जिहड़े रेजेंट ने रानी जिंदा होणगे, जिन्हां नूं जिहड़ी ब्रिटिश है वह पेंशन उत्ते कर देगी, जिन्हां दी जिहड़ी इहनां दी सलाना पेंशन होएगी वह होएगी 1,20,000। ठीक है, ट्रिटी ऑफ लाहौर 1946 है। जिहड़ी तुसीं समझ रहे हो रणजीत सिंह जी वाली, वह हैगी ट्रिटी ऑफ अमृतसर, जिहड़ी ब्रिटिश ते महाराजा रणजीत सिंह दे विच होई सीगी। 1946 तक जांदे हुए महाराजा रणजीत सिंह जी नहीं रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चल रहे हो। एक चीज सानूं दस दवा कि असीं आईबीटी तुहाडे लई लैके आया बैंक पीओ ते एसएससी दे लई। स्टेट गवर्नमेंट तुहानूं पता जॉब्स आ रही ने, उन्हां सारे लाइव कोर्सेज असीं तुहाडे लई लैके आ रहे हैं, जिहदे विच 200 प्लस लाइव क्लासेस होणगीआं और 30 इहदे टेस्ट होणगे। 4 इहदे डेमो क्लासेस भी हैगीआं ने जिहड़ी आपां चला रहे हां 30 तों लै के 2nd of September तक। ठीक है, और 3rd of September तों अपना असीं इह सैशन स्टार्ट कर रहे हां, जिहड़ा रात नूं 7 to 9 तक ही चलेगा। और तुसीं इहदे विच जा के मेक माई एग्जाम की वैबसाइट ते जा के एनरोल कर सकदे हो। अगर तुहानूं होर कोई क्यूरी हैगी है ते तुसीं इस नंबर ते भी कॉल कर सकदे हो। इस कोर्स नूं लैके 9919522862, अगर तुहानूं कोई भी क्यूरी इस चीज़ नूं लैके ते तुसीं इस नंबर ते कॉल करके अपनी क्यूरीज नूं कन्फर्म कर सकदे हो। ठीक है, नैक्सट चल रहे हैं असीं।
1846 ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ 24 ਜੁਲਾਈ 1846 ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਹੋਈ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਵਿਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੋਨ ਐਜ ਨਾਮਧਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੁੱਕਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖਿਲਾਫਤ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਤਵਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹਾਂਜੀ ਆਂਸਰ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਕੁੱਕਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਮਧਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁੱਕਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕੂਕਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾਮਧਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁੱਕਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੂ ਵਾਜ ਦਾ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਕੌਣ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਯਾਨੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਗੁਰਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਫੋਰਮ ਐਕਟ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਉਦੋਂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੈਨ ਵਾਜ ਦ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕੋਰਡ ਸਾਈਨ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕੋਰਡ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਕੋਰਡ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਕੋਰਡ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਈਅਰਸ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਊਂਗੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਰ 1984 1989 1966 1985 ਐਨੀਵਨ ਨੋਜ਼ ਦਾ ਆਂਸਰ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕੋਰਡ ਕਦੋਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਡੀ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕੋਰਡ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕੋਰਡ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਈ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਦੇਅਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਔਰ 1966 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈਫਿਕੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਟ੍ਰਾਈਫਿਕੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰੀਜ਼ਨਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦ ਅਤੇ ਨਿਰਵਾਣਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੋ ਜਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ ਕੁਛ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 17 ਤੋਂ 30 ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਦੇਵੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਔਰ 1985 'ਚ ਇਹ ਅਕੋਰਡ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੈਨ ਵਾਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਪੈਪਸੂ ਮਰਜਡ ਪੈਪਸੂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਮਰਜ ਹੋਏ ਕਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 1950 1952 1953 1956 ਸੌਰਵ ਕੁਛ ਕੁਛ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ
क्योंकि ये जो तुसी अपना जीके का पार्ट कवर कर रहे हो और जो एडी पेपर दे वे जीके दा उन्हें पूछा ही जाता है। हाँ जी बच्चे दसो, वेन वॉज द पंजाब एंड पेप्सू मर्ज्ड? डी, वेरी गुड, 1956 दे विच। 1956 दे विच पंजाब ते पेप्सू, यानी कि पेप्सू की सीगा तुहाडी प्रिंसली स्टेट्स सीगियां पटियाला एंड पटियाला, इहदी फुल फॉर्म याद रखनी है, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, इन्हां नूं मर्ज किया गया 1956 दे विच। ठीक है, नेक्स्ट चल रहे हैं सी, विच सिटी इज द मैनचेस्टर ऑफ पंजाब? विच सिटी इज द मैनचेस्टर ऑफ पंजाब? ऑप्शंस आर जलंधर, लुधियाना, चंडीगढ़, अमृतसर। की होएगा द राइट आंसर? किस सिटी नो मैनचेस्टर ऑफ पंजाब किया जाता है? वेरी गुड, लुधियाना। लुधियाना नो मैनचेस्टर ऑफ पंजाब किया जाता है। गुड, नेक्स्ट चल रहे हैं सी, अमंग द वेरियस पासेस ऑफ हिमालयाज विच वॉज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली विजिटेड बाय द एक्सटर्नल इनवेडर्स? पहले क्वेश्चन का मतलब समझो, कहते अपने को बहुत सारे हिमालय के पासिस है, जिमें तुम नाम लिखे भी देखे हुए हैं, कुरम पास, खाइबर, बोलन, गोमल, लेकिन जो एक्सटर्नल इनवेडर्स यानी कि जो हमलावर भारत तो बाहर के हमलावर ने पंजाब के पंजाब से या इंडिया के कब्जा करने बारे हमला किया, तो इन्हों के पास न सब तो ज़्यादा यूज किया गया? कुरम पास, खाइबर पास, गोमल पास, बोलन पास। खाइबर पास, वेरी गुड। जोड़ा खाइबर पास है बच्चे, एक काफ़ी ज़्यादा एक्सटर्नल इनवेडर्स वालों यूज़ किया गया सीगा, अफगानिस्तान ते पाकिस्तान नू एक कनेक्ट करता है पास, अफगानिस्तान और पाकिस्तान नू कनेक्ट करता है वाला पास। ठीक है, नेक्स्ट चल रहे हैं क्वेश्चन वाल, हु रोट आनंद कारज? हु रोट आनंद कारज? ऑप्शन आर गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी। कोई दस सकता है आंसर कि ने लिखा है आनंद कारज? बी किस तरह होएगा, गुरु अंगद देव जी ने लिखा है आनंद कारज? कोई होर? गुरु अमरदास जी, वेरी गुड। गुरु अमरदास जी ने जेड़ा है आनंद कारज जेड़ा है लिखा है, इनू एदी इनेक्टमेंट कदों होएगी? ऑफिशियली ये 1909 दे विच ऑफिशियल हो जाएगा, 1909 दे विच सिंह सभा जेड़ी है 1909 दे विच इनू ऑफिशियल करवा देगी। ठीक है, गुरु अमरदास जी लिखनगे आनंद कारज। बच्चे जो पूछा जाएगा कि आनंद कारज दे विच लिखे हुए जो स्टैंजाज ने, जो पैराग्राफ्स ने, वह किन्ने लिखे ने, फिर गुरु रामदास जी आएंगे। ठीक है, इस करके क्वेश्चन थोड़ा इतने गलत हो जाता है। अगर पूछा जाए कि आनंद कारज जोड़ा आ उन्होंने लिखा, यानी कि वो स्टैंजाज मतलब जो पाठ किया जाएगा, जो हुक्मनामा जो लिया जाएगा, वह गुरु रामदास जी ने लिखा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन बहुत ध्यान पढ़ना है। नेक्स्ट है, हू रोट सुखमनी साहिब? सुखमनी साहब जो पाठ हैगा वह किन्ने लिखा है? गुरु तेग बहादुर जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु रामदास जी, गुरु गोबिंद सिंह जी। किन्ने लिखा है इनू? हाँ जी, राइट आंसर इहदा हैगा है बी, गुरु अर्जन देव जी ने लिखा है सुखमनी साहिब। रामदास जी नहीं लिखनगे, पंजवे गुरु लिखनगे गुरु अर्जन देव जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वाल चल रहे हैं, हु फाउंडेड डल्लियावालिया मिसल? डल्लियावालिया मिसल किन्ने फाउंड की? सरदार गुलाब सिंह, सरदार नंद सिंह, सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया, सरदार नवाब कपूर। किन्ने फाउंड की सी डल्लियावालिया मिसल? राइट आंसर इहदा हैगा ए, सरदार गुलाब सिंह। सरदार गुलाब सिंह जिहड़े ने डल्लियावालिया मिसल जिहड़ी उन्हूं फाउंड करनगे। नेक्स्ट चल रहे हैं, विच गुरु बिल्ट
आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन हॉस्पिटल एंड अ रिसर्च सेंटर एट किरतपुर साहिब। केड़े गुरु ने आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन हॉस्पिटल जेड़ा ओ बिल्ड करवाया और एक रिसर्च सेंटर खोलिया किरतपुर साहिब दे विच। ऑप्शनस हैगे ने गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु हर राय जी, गुरु हर गोबिंद जी, गुरु रामदास जी। कोई दस सकदा इहदा आंसर? एनीवन नोस? सी गुड। गुरु हर गोबिंद जी जेड़े ने उन्होंने हर्बल मेडिसिन हॉस्पिटल भी बिल्ड करवाया और एक रिसर्च सेंटर जेड़ा कीरतपुर साहिब दे विच उन्होंने खोलिया। गुरु हर गोबिंद जी, गुड। नेक्स्ट चल रही हूँ। विच इज द स्टेट ट्री ऑफ पंजाब? स्टेट ट्री ऑफ पंजाब केड़ा है? ऑप्शन है ने शीशम, दियोदर, बनियान ट्री, मैपल। स्टेट ट्री ऑफ पंजाब केड़ा है? जल्दी जल्दी आंसर्स दवो। ए शीशम। शीशम का जो ट्री है साडा एक तरह के नाल स्टेट ट्री ऑफ पंजाब है। नेक्स्ट चल रही हूँ। हु इज द फाउंडर ऑफ शीश महल? हु इज द फाउंडर ऑफ शीश महल? महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा नरेंद्र सिंह, मनेंद्र सिंह, रघुबीर सिंह। फाउंडर केड़े ने शीश महल दी? हु इज फाउंडर ऑफ शीश महल? राइट आंसर इहदा हैगा आ बी नरेंद्र सिंह। महाराजा नरेंद्र सिंह जेड़े ने फाउंडर हैगे ने शीश महल दे। बच्चे इहदा एक क्वेश्चन ध्यान ना देखो, अगर कहा जावे कि फाउंडर कौन ने, अगर तुहानू पूछ लिया जांदा कि हू बिल्ट शीश महल, फिर आंसर की होंगे? हू बिल्ट शीश महल, फिर आंसर होना सी एम्परर शाहजहां। एम्परर शाहजहां ने इनू बनवाया सी। फाउंड करन दा मतलब कि इन्होंने इनू बाद विच लभ्या, ठीक है? फाउंडर ये जेडे हैगे ने वह बाद विच महाराजा नरेंद्र सिंह होणगे। क्वेश्चन नू बहुत ध्यान नाल पढ़ना आ। कई बार अगर नरेंद्र सिंह ने शाहजहां भी दे दें दे, भी कन्फ्यूज नहीं होना। फाउंडर होंगे नरेंद्र सिंह, बिल्ट करेंगे एम्परर शाहजहां। हाँ जी बिल्कुल दिव्यम, कोऑपरेटिव बैंक लिए भी इंपॉर्टेंट है नहीं, जीके का पार्ट कवर हो रहा है। नेक्स्ट है गया, व्हाट इज द ग्रीक नेम ऑफ रिवर रावी? रिवर रावी के ग्रीक नाम की है? ऑप्शन है हाइफसिस, हाइडस्पस, हाइड्रोटिस, हेसीड्रॉस। ग्रीक नेम ऑफ रिवर रावी पता किसे ने आंसर? हाइफसिस, हाइडस्पस, हाइड्रोटस, हेसीड्रॉस। आंसर इधर होएगा सी, हाइड्रोटस जेड़ा या रिवर रावी का ग्रीक नेम है, ठीक है? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चल रही हूँ। In 1805, रंजीत सिंह वोन अमृतसर फ्रॉम विच मिसल? मतलब 1805 महाराजा रंजीत सिंह ने अमृतसर दे विच केदे नाल इधर ही फाइट की है, केदे तो जेड़ा या अमृतसर नू जितया। इहदा मतलब उत्थे कोई मिसल सीगी। ऑप्शन हैगियां ने निहंग मिसल, आलू वालिया मिसल, अत्री मिसल, पंगी मिसल। केड़ी मिसल तो महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर नू वॉन किया? राइट आंसर इहदा की होएगा? डी पंगी मिसल। पंगी मिसल तो इन्हां ने जेड़ा अमृतसर है उन्हू वॉन किया। हुण मैनू दसो कि महाराजा रणजीत सिंह केड़े मिसल तो सी? महाराजा रणजीत सिंह जी जेड़े सीगे वह केड़ी मिसल तो सी? पता है किसने दा आंसर? महाराजा रणजीत सिंह सीगे सुकर चक्या मिसल तो। पूछया जा सकता है सुकर चक्या मिसल तो सीगे महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है?
नेक्स्ट क्वेश्चन वाल चल रहे हो। द टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑफ पंजाब इन लोकसभा इज, टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑफ पंजाब इन लोकसभा इज, मतलब कि पंजाब दिया लोकसभा विच किन्नियां सीटा ने। ऑप्शन है ने अपने कोल 9, 10, 14 और 13। किन्नियां सीटा ने अपनी लोकसभा दे विच पंजाब दिया? वेरी गुड, 13। 13 सीटा है ने लोकसभा दे विच पंजाब दिया। वेरी गुड। नेक्स्ट चल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑफ पंजाब इन विधानसभा। विधानसभा मतलब स्टेट लैजिस्लेटिव असेंबली दे विच पंजाब दिया किन्नियां सीटा ने। ऑप्शन है 112, 107, 113, 117। बिल्कुल ठीक, डी 117 जेडियां ने विधानसभा दे विच पंजाब दियां सीटां ने। नेक्स्ट असीं चल रहे हां, टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑफ पंजाब इन राज्यसभा। राज्यसभा दे विच पंजाब दियां किन्नियां सीटां ने? ऑप्शन है 9, 10, 7, 13। किन्नियां सीटां ने राज्यसभा दे विच पंजाब दियां? पता किसे नूं? चलो इहदा आंसर हैगा सी, 7 सीटां ने। ठीक है, राज्यसभा दे विच पंजाब नूं या राज्य नूं रिप्रेजेंट किया जांदा, लोकसभा दे विच पीपल नूं रिप्रेजेंट किया जांदा है। ठीक है, नेक्स्ट असीं चल रहे हां, Who was the first Chief Minister of Punjab? पहले Chief Minister of Punjab कौन सिगे? M. Ajit Singh, Gurmail Singh, Tota Singh, Gopi Chand Bhargava। हाँ जी, इहदा आंसर दसो। Who was the first Chief Minister of Punjab? बिल्कुल ठीक, D. Gopi Chand Bhargava जेडे ने first Chief Minister of Punjab सिगे। नेक्स्ट चल रहे हैं, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब? पहले गवर्नर, पहले राज्यपाल जेडे पंजाब दे कौन सी गी? ऑप्शन है गया ने मिस्टर चंदू लाल, माधव लाल त्रिवेदी, बंसी लाल, गोपी चंद, अमरिंदर सिंह। फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब, आंसर मैनू डी च आ रहे ने, और एक आया गोपी चंद, ए गुरमेल संधु कह रहे हैं ए। ठीक है, बिल्कुल सही, इहदा आंसर हैगा ए, मिस्टर चंदू लाल माधव लाल त्रिवेदी जिहड़े ने ओह फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब होणगे। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन वाल चल रहे हां, सेम क्वेश्चन वैसे इत्थे रिपीट हो गया। बचित्तर नाटक इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गुरु? आपे कर चुके हैं सी, गुरु गोबिंद सिंह जी। ठीक है, नेक्स्ट चल रहे हैं क्वेश्चन वाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद द रेफरेंस ऑफ सिंह सभा मूवमेंट? इन्हां विचों दित्तियां होईयां स्टेटमेंट विचों केड़ी बिल्कुल ठीक हैगी है सिंह सभा मूवमेंट दे रेफरेंस नूं देखदे हुए? इट एम्ड फॉर मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन फॉर सिक्स, मतलब वेस्टर्न एजुकेशन जिहड़ी है सिखां लई एम कर रहे सी। इट वॉज फॉर्म्ड टू काउंटर प्रोसिलाइटाइजिंग एक्टिविटीज इन सिक्स बाय हिंदू रिवाइवलिस्ट। ठीक है, इहदा तुहानूं मतलब मैं बाद च दसूंगी, तुहाडे सामने आंसर्स भी आ जाणगे। द अकाली मूवमेंट वॉज एन ऑफ शूट ऑफ दिस मूवमेंट, डी ऑल ऑफ द अबव। दस सकदे आ आंसर इहनां विचों किहड़ी करैक्ट हैगी है स्टेटमेंट? बिल्कुल ठीक, सी सी। देखो बच्चे, जदों सिंह सभा मूवमेंट आई सीगी ते इह रीजन की सीगा, 1853 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਪ ਜਿਹੜੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸੀਗੇ, ਇਟ ਵਾਸ ਫੋਰਮ ਟੂ ਕਾਊਂਟਰ ਪ੍ਰੋਸਟਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਸਿੱਖਸ ਬਾਏ ਹਿੰਦੂ ਰਿਵਾਈਵਲਿਸਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ।
ठीक है, अकाली मूवमेंट वॉज एन ऑफ शूट ऑफ दिस मूवमेंट, दिस इज द राइट आंसर। अकाली मूवमेंट जिहड़ी सीगी इन्हां तों बाद ही शुरू होई, सिंह सभा दे विच ही वैसे स्टार्ट हो गई सी, लेकिन बाद विच जदों तुहाडे मोर्चे तुसीं पढ़दे हो जैतो मोर्चा, गुरु का बाग मोर्चा, इन्हां सारिआं दे विच इन्हां ने काफ़ी वधिया तरीके नाल काम करना है। ठीक है, राइट आंसर इहदा हैगा सी कि अकाली मूवमेंट इस टाइम ते स्टार्ट होएगी। क्वेश्चन नूं बहुत ध्यान नाल पढ़ना है कि जिहड़े सिख हैगे ने हिंदू उन्हां दा धर्म परिवर्तन नहीं करवा रहे सी, ब्रिटिश करवा रहे सीगे, और सिख जिहड़े ने मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन नूं नहीं मानते। ठीक है, उन्होंने सिखिज़म दे लिटरेचर नूं कहा सीगा कि सिखिज़म दे लिटरेचर तुसीं पढ़ो। नैक्सट क्वेश्चन वल चल रहे हां, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द अकाली मूवमेंट स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रीइंग द गुरुद्वारास फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ महंस। अकाली मूवमेंट इसे लिए स्टार्ट की गई कि गुरुद्वारों को महंता के कंट्रोल तो कढ़िया जाए। दूसरा, महंस वर लॉयल टू द ब्रिटिश रिजीम, महंत जिहड़े सीगे ओह लॉयल सीगे ब्रिटिश दे नाल। तीसरा, जनरल डायर द प्रेपरेटर ऑफ जलियांवाला बाग मैसकरी वॉज ऑनर्ड इन द गोल्डन टैंपल, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू। जिहड़ा जनरल डायर सी जिन्हें जलियांवाला बाग वाला जिहड़ा कांड किया सी ओनू जिहड़ा सीगा दरबार साहब दे विच सम्मानित किया जा रहा सी। ठीक है, इन्हां विचों किहड़ी स्टेटमेंट करैक्ट है? 1 in 2 ओनली, 2 and 3, 1 only, ऑल ऑफ द अबव। देखो बच्चे, इहदा आंसर हैगा आ ऑल ऑफ द अबव। देखो जदों ये सिंह सभा मूवमेंट कॉन्टीन्यूशन च चल रही है, इन्हें 1909 दे विच तुहानू आनंद कारज भी लैके देना, और फिर इन्हें 1905 दे विच इन्हां ने एक्ट पास करवाना है कि दरबार साहब के कंपाउंड्स दे विचों जिहड़ी मूर्तियां ने उन्हां नू कढ़िया जावे। ठीक है, इन्हां सारियां चीज़ां नू देखदे हुए एक चीज़ इन्हां ने 1913 ते 14 दे विच फील करनी है कि जिहड़े साडे लोग ने उह साडे नाल लॉयल नहीं चलते पे, यानी कि जो सिंह सभा के लोग ने इन्हां दे नाल लॉयल नहीं चलते पे। ये रीज़न तुहानू नज़र आएंगे, एक तो कोमागाता मारू दे विच जिहड़ा इंसीडेंट होएगा, या दूसरा इंसीडेंट होएगा रकाबगंज अफेयर्स वाला। इन्हों दोनों इंसीडेंट्स उन्होंने दिखा दिता कि जिहड़े साडे लोग ने साडे नाल नहीं लॉयल चल रहे। उस तो बाद जिहड़ी अकाली मूवमेंट आ उन्हें फिर एक चीज़ फड़ी कि मैं महंत जिन्हां ने कंट्रोल किया होया सारे गुरुद्वारों नूं, वह इन्हों अपनी परसनल प्रॉपर्टी मान के चल रहे ने। ठीक है, जिहदे करके इन्होंने उन्होंने फ्री करवाना अपने गुरुद्वारे नूं इन्हां दे कंट्रोल तो। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। महंत जिहड़े सीगे ब्रिटिश नाल लॉयल सीगे, बिल्कुल लॉयल सीगे, क्योंकि ये की कर रहे सीगे, ब्रिटिश ने इन्हां नूं ईवन अपनी एक प्राइवेट आर्मी भी दित्ती हुई सी कि अगर तुहाडे नाल कोई गलत चीज़ हुंदी है तो तुसीं अपनी इस आर्मी नूं यूज़ कर सकदे हो। जिन्हों तुसीं जिहड़ा ननकाना साहिब मैसकरे होएगा उहदे विच वी पढ़ोगे कि ननकाना साहिब दे जिहड़ा महंत होएगा उह बहुत 150 जिहड़े अकाली सीगे उहनां दे उत्ते गोलियां चलवा देगा। ठीक है, विद द यूज़ ऑफ देयर प्राइवेट आर्मी, ए वी बिल्कुल ठीक है। और यह भी होया कि जनरल डायर नूं जलियांवाला बाग मैसकरे का जिहड़ा मेन मुखी जिहड़ा आरोपी सीगा उहनूं भी इन्हां ने ऑनर किया दरबार साहब दे विच, जिहड़ी कि साडी एक बहुत ही श्रेन मन्नी गई, एक पवित्र स्थल मन्निया गया। जिहदे ये तिन्नां रीजनस करके जिहड़े आ मेन जिहड़ी चीज़ है इन्हां विचों ये सारियां चीज़ां ठीक सीगे कि अकाली जिहड़ी मूवमेंट है इन्हां सारे कम्मां करके भी होई, और ये सारियां चीज़ां ने अराइज़ भी कीती एजिटेशनस इंडिया दे विच और पंजाब दे विच भी। इसे करके आपां डी दे नाल चल लिया। ठीक है, नेक्स्ट असीं चलांगे 32 क्वेश्चन वल, विच गुरु रोट आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ जिहड़े हैगे ने उन्हां नूं उसनूं किन्ने लिखिया? गुरु हरगोबिंद जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अर्जन देव जी। विच गुरु रोट आदि ग्रंथ? डी और ए, सी राइट आंसर इहदा हैगा है डी, गुरु अर्जन देव जी। बच्चे देखो जदों दरबार साहब दे पूरी तरह नाल बन जाएगा उस तो बाद ही लिखणगे। गुरु अंगद देव जी दे समय दे विच जिहड़ा हरमिंदर साहब दी स्टार्टिंग भी नहीं होनी, और गुरु गोबिंद सिंह जी दा समय बहुत ही अग्गे जाके आएगा, 10वें गुरु हैगे ने। गुरु हरगोबिंद जी 6वें होणगे, ये अकाल तख्त साहब दी स्थापना कर सकते ने। ठीक है, गुरु अर्जन देव जी हैगा इहदा राइट आंसर। अग्गे चल रहे हां, द आदि ग्रंथ कॉन्स्टिट्यूट्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड वेनरेटेड स्क्रिप्चर्स ऑफ सिखिज़म एंड कंटेन्स। मतलब आदि ग्रंथ साहिब दे विच बहुत सारे महत्वपूर्ण और इदां दे स्क्रिप्चर पाए गए ने सिखिज़म दे, और इस तो इलावा होर की हैगा फिलोसफिकल राइटिंग्स,
instructions on rituals, hymns and poems, a version of Ramayan. इधर राइट आंसर क्या होएगा? जी हाँ, गुरमल संधु, लिखवाया गुरु अर्जन देव जी ने. हाँ जी, 33 का क्वेश्चन आंसर दवो. द आदि ग्रंथ कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड वेनरेटेड स्क्रिप्चर्स ऑफ सिखिज्म एंड कंटेन्स. वेरी गुड, सी हेम्स एंड पॉइम्स, बिल्कुल ठीक. नेक्स्ट चल रही है. हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द निरंकारी मूवमेंट. निरंकारी मूवमेंट जी है उन्होंने किन्ने फाउंड किया? ऑप्शन है नहीं, बाबा दयालदास, बाबा राम सिंह, महमूद हसन, जगत मित्रा. हाँ जी बच्चे, 34 का आंसर दसो. हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द निरंकारी मूवमेंट. बिल्कुल ठीक, ए बाबा दयालदास जिहड़े ने ए फाउंडर होंगे निरंकारी मूवमेंट दे. वेरी गुड. नेक्स्ट चल रहे हैं. वॉट वॉज अकाली दल एंड SGPC श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्सेप्टेड एज देयर क्रीड. मतलब अकाली दल और SGPC ने किस तरह नाल अपने आप नू की एक्सेप्ट किया एज देयर क्रीड, की उन्होंने किस तरह नाल काम करना है. ऑप्शंस आर नॉन वायलेंस, वायलेंस पॉलिटिक्स, अंडरग्राउंड मूवमेंट्स. नॉन वायलेंस, वायलेंस पॉलिटिक्स, अंडरग्राउंड मूवमेंट्स. इहदा आंसर की होएगा? किहड़ी क्रीड दे नाल, किस तरह नाल SGPC ते अकाली दल ने काम किया. आंसर है बी, सॉरी ए, नॉन वायलेंस. नॉन वायलेंस दे विच की होएगा बच्चे? इन्होंने पहले ही कह दिता सीगा कि असी कोई हिंसा नहीं करनी. अगर तुसी ध्यान दवो तो 1915 दे विच तुहाडे गांधी जी इंडिया दे विच आ जाएंगे. इन्हों का भी सेम सीगा कि इन्हों ने कोई भी हिंसा नहीं करनी, कोई भी वायलेंस नहीं क्रिएट करना, असी प्यार नाल ही अपने सारे काम करवाने ने. इस करके इन्हों चीज़ों ने फॉलो करते हुए अकाली दल और SGPC भी ही डिसाइड करेगा कि असी नॉन वायलेंस की जी क्रीड काम करांगे, प्यार नाल अपनी गल मनवावांगे, कोई वायलेंस असी क्रिएट नहीं करना. ठीक है, नेक्स्ट चल रहे हैं. हु अमंगस द फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ पंजाब बाउंड्री कमीशन इन 1947. इन्हों विच कौन सी जिन्हों पंजाब बाउंड्री कमीशन का चेयरमैन बनाया गया, जिसकी स्थापना 1947 की गई सी? ऑप्शन है मिस्टर क्लेमेंट एटले, जस्टिस JC शाह, सर सिरिल रेडक्लिफ, जस्टिस तेज सिंह. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. आंसर हैगा है सी, सर सिरिल रेडक्लिफ. पंजाब बाउंड्री कमीशन नू दे जेडे चेयरमैन सिगे सर सिरिल रेडक्लिफ नू बनाया जाएगा. बच्चे जिन्नी भी तुहाडी डीमार्केशन मिलदियां ने कि ईस्ट पाकिस्तान, वैसट पाकिस्तान, जिन्हों बाद 1971 दे विच बांग्लादेश बदल दिता गया, इस सारी जिहड़ी बाउंड्री सिगी ये रेडक्लिफ ने बनाई सी. ठीक है, इस करके पंजाब बाउंड्री कमीशन दे जिहड़े मेन चेयरमैन सिगे ओह वी सर सिरिल रेडक्लिफ ने, और इंडिया और पाकिस्तान की जिहड़ी बाउंड्री लाइन है उन्होंने भी रेडक्लिफ लाइन ही कहा जाता, इन्हों के नाम नाल ही उन्होंने रखा गया सी. ठीक है, नेक्स्ट चल रहे हैं. हु डिड इंट्रोड्यूस द कॉइन्स ऑफ सिक्स. हु डिड इंट्रोड्यूस द कॉइन्स ऑफ सिक्स. सिखा ने जिहड़ी कॉइन्स ने उन्होंने किने इंट्रोड्यूस किया? ऑप्शन ने महाराजा रणजीत सिंह, बंदा सिंह बहादुर, अहमद शाह अब्दाली, नन ऑफ दीज. बंदा सिंह बहादुर, बिल्कुल बंदा सिंह बहादुर जड़े ने वो इंट्रोड्यूस करेंगे कॉइन्स ऑफ सिक्स नो. ठीक है, याद रखना है बच्चे, अगर अहमद शाह अब्दाली तुम डायरेक्टली लग रहे कि मुगल है, ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह नहीं करेंगे, बंदा सिंह बहादुर जड़े ने वो कॉइन्स ऑफ सिक्स जड़े ने उन्होंने इंट्रोड्यूस करेंगे. नेक्स्ट चल रहे हैं. इन विच ईयर SGPC पास्ड अ रेजोल्यूशन इन फेवर ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ SGPC ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜਾ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਨੋਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ?
ऑप्शंस ने मई 1921, मई 1922, 1923 और 1925। आंसर दे सकते हो? एलओसी इज द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड रेड क्लिफ जी है इंडिया और पाकिस्तान की जी बाउंड्री लाइन है उन्होंने ही असं रेड क्लिफ कहने हैं। ठीक है, मई 1925 बच्चे इहदा आंसर हैगा मई 1921। थोड़ा ध्यान नाल समझना जिन्हां ने आंसर 1925 दे लागे चागे दिते ने। रीजन सुनना है कि दा आंसर इहदा हैगा वैसे मई 1921। 1920 दे विच नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होएगी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये सीगी जिहदे विच जो महात्मा गांधी जी ने जो स्टार्ट करवाई सी कि असी गवर्नमेंट नूं किसे भी तरह नाल कोऑपरेट नहीं करना। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ SGPC ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਬੱਚੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ ਨੋਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 1925 ਤੱਕ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੋਰਾ ਚੋਰੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਚੋਰਾ ਚੋਰੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਚੋਰਾ ਚੋਰੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਇਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮਈ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਓਵਰ ਸੋ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਮੋਸਟ ਸੀਕਰੇਟ ਸ਼੍ਰੇਨ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਐਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ। ਡੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਹੈ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਡ ਸੈਂਟ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਟੂ ਪੰਜਾਬ। ਇਹਦਾ ਵੈਸੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਂਟ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਟੂ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪੀਗੇਟ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ, ਟੂ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਹਿਸ ਸਟਰੈਂਥ, ਟੂ ਕਰਸ਼ ਦਾ ਐਨੀਮੀਜ਼ ਆਫ ਖਾਲਸਾ, to establish a Sikh empire. D or B ਦੇ ਆਂਸਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਪਰ ਹੈਗਾ C। ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪੀਗੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਸ ਪੰਜਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜ ਗੁਰੂਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੰਜੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਔਰ ਆਰ ਟਰੂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਮੂਵਮੈਂਟ? ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਟਰੂ ਹੈਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਦੇ ਬਿਲੀਵਡ ਇਨ ਲਿਵਿੰਗ ਗੁਰੂ, ਦੇ ਡਿਡ ਨੋਟ ਸਿੰਗ ਕੀਰਤਨ, ਦੇ ਟੈਂਪਲਸ ਆਫ ਦੈਮ ਡਿਡ ਨੋਟ ਹੈਵ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਆਂਸਰਸ ਦੱਸੋ। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਵੈਸੇ ਹੈਗਾ ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ, ਡੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਹ ਆਗਰਾ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਲਿਵਿੰਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਲਈ ਬਿਲੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਧਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਸੋਲ, ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਸਟਰ। ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਗੁਰੂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇੰਡ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ।
और इन्हां ने आदि ग्रंथ साहिब जिहड़े ने वो अपने टैंपल्स विच कितें भी नहीं रखे। ठीक है, इस करके सारिया ही जिहड़ियां स्टेटमेंट्स ने वो ठीक है गया ने, ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। नेक्स्ट चल रहे हैं, हु वॉज द हेड ऑफ SJPC इन अक्टूबर 1921 व्हेन गवर्नमेंट सरेंडर्ड ऑल कीज टू SJPC हेड। हु वॉज द हेड ऑफ SJPC, मतलब कौन हेड सीगा SJPC दा अक्टूबर 1921 दे विच जदों गवर्नमेंट ने कीज जिहड़ियां सीगियां SJPC नूं दे दित्तियां। आप सारियां जिहड़ियां कीज सीगियां SJPC दे हेड विच दे नूं दे दित्तियां। ऑप्शंस ने बाबा गोरी सिंह, सुंदर सिंह रामगढ़िया, बाबा रणजीत सिंह, बाबा खड़क सिंह। बिल्कुल ठीक दिव्यम दा आंसर बिल्कुल ठीक है, सुंदर सिंह रामगढ़िया उस समय से गए SJPC दे हेड अक्टूबर 1921 दे विच जदों सरेंडर कीतियां गईयां सी कीज। ठीक है, नेक्स्ट चल रहे हो, एनदर नेम फॉर द आदि ग्रंथ सिखिज़म्स मोस्ट रिवर्ड एंड ऑथोरेटिव स्क्रिप्चर्स इज। ऑप्शन है नानक ग्रंथ, द सिख सूत्र, बुक ऑफ द खालसा, गुरु ग्रंथ साहिब। जिवें तुहाडी बुक हैगी है आदि ग्रंथ, एदा एक सिखिज़म दी होर अथोरिटेटिव स्क्रिप्चर दी कीड़ी बुक मनी जाती है, नानक ग्रंथ, सिख सूत्र, बुक ऑफ द खालसा, गुरु ग्रंथ साहिब। हाँ जी आंसर्स दो फटाफट। बुक ऑफ द खालसा, गुरु ग्रंथ साहिब। जी हाँ बिल्कुल, जड़े आंसर डी दे रहे ने बिल्कुल ठीक ने, गुरु ग्रंथ साहिब जी जड़े ने बाद में सिखिज़म जी मोस्ट रिवर्ड और अथॉरिटेटिव स्क्रिप्चर मनिया गया, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी किया सीगा लास्ट विच गुरु मान्यो ग्रंथ। ठीक है, तो गुरु ग्रंथ साहिब जी ने जिहड़े बाद विच सिखिज़म दे सब तो रिवर्ड और अथॉरिटेटिव स्क्रिप्चर मनिया जाएगा। नेक्स्ट चल रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर रिलेटेड टू बहलोल लोधी। आप आ चुके हैं मिडीवल ते। फर्स्ट देखो, ही वॉज प्रीवियसली द गवर्नर ऑफ सरहंद इन पंजाब अंडर द सुल्तान ऑफ दिल्ली अलाउद्दीन आलम ऑफ द सैयद डायनेस्टी 1414 टू 1451 तक। ठीक है, दूसरी ऑप्शन है, ही बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली ऑन अप्रैल 19 1451 अंडर द टाइटल ऑफ सुल्तान अबुल मुजफ्फर बहलोल शाह गाजी। ऑप्शंस तुसी पढ़ चुके हो, हुण देखो कि इन्हां चो करेक्ट स्टेटमेंट ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉर टू। आंसर्स दो इहदे फटाफट। जी हाँ, पंजाबी ज़रूरी है, मैट्रिक में पंजाबी होनी ही चाहिए, इसलिए यहाँ पे आपके पंजाब में जो है मैट्रिक मांगी जाती है पंजाबी में, तो पंजाबी ज़रूरी है। डी आंसर आ रहा है सबका, डी ए, मतलब तुसी सारे डी और ए दे विच कन्फ्यूज़ है गए हो। जिहड़े डी आंसर दे रहे ने बिल्कुल ठीक ने, नीदर वन नॉर टू। देखो तुसीं बहलोल लोधी नूं वैसे दसो किहदे विच पढ़िया, किहड़ी डायनेस्टी विच तुसीं बहलोल लोधी नूं पढ़िया है, बहलोल लोधी नूं तुसीं किहड़ी डायनेस्टी दे विच पढ़िया है। बच्चे लोधी डायनेस्टी विच ही तुसीं इहनूं पढ़िया। ठीक है, लोधी डायनेस्टी दे विच इहदे बारे च गल नहीं कीती गई कि कदी एक गवर्नर सीगा सरहंद दा या सुल्तान सी अलाउद्दीन आलम दा या सैयद डायनेस्टी, इहदे बारे च कोई गल नहीं कीती गई। ईवन क्या गया कि इहनूं टाइटल मिलिया सी सुल्तान अबुल मुजफ्फर बहलोल शाह गाजी, इह वी नहीं होएगा। ठीक है, एक बारी तुसीं ना इहदी जिहड़ी लोधी डायनेस्टी नूं एक बारी दोबारा पढ़ना, इहनां विचों दोनों चों कोई भी चीज़ जिहड़ी है उह नहीं लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट चलो, दरबार ऑफ निरंकारी वॉज शिफ्टिड फ्रॉम। निरंकारी दा जिहड़ा दरबार, जिहड़ा निरंकारी मिशन, जिहड़ी निरंकारी मूवमेंट्स चलाई गई सी, उहनां दा दरबार
ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖੋ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲਾਹੌਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਫਟਾਫਟ ਆਨਸਰਸ ਦਿਓ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਏ ਬਿਲਕੁਲ ਏ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਟੂ ਬੀ ਅ ਸਕਸੈਸਰ ਆਫ ਵਿਚ ਲੈਂਗੁਏਜ? ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਟੂ ਬੀ ਅ ਸਕਸੈਸਰ ਆਫ ਵਿਚ ਲੈਂਗੁਏਜ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਿੰਦਾਵੀ, ਉਰਦੂ, ਸੁਰਾਸੇਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤ, ਪਾਲੀ। ਫਟਾਫਟ ਆਨਸਰਸ ਦਿਓ ਇਹਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਸਕਸੈਸਰ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਡੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਟਾਫਟ ਆਨਸਰਸ ਕਰੋ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸੀ ਸੁਰਾਸੇਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਕਸੈਸਰ ਹੈਗੀ ਇਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ, ਸੁਰਾਸੇਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤ। ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਵੈਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਪਾਸਡ? ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ 1962, 1965, 1967, 1973। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਦਿਓ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਈਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਹੀ ਕਰ ਦਵੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਕਰ ਦਵੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਵੋ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਨਸਰ ਆ ਰਹੇ 1973। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਆਇਆ ਆ, ਮੈਕਿਤ ਸੋਹਲ। ਸਿਰਫ ਸੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ 1967, 1967 ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ, 1967 ਹੈ ਬੱਚੇ, 1973 ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, 67 ਹੈ ਬੱਚੇ, 73 ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੂ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਸਲੇਵ ਆਫ ਅ ਸਲੇਵ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਲੇਵ ਆਫ ਅ ਸਲੇਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਨੌਕਰ ਦਾ ਵੀ ਨੌਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ, ਮਹਿਮੂਦ ਆਫ ਗਜ਼ਨੀ, ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼, ਕੁਤੁਬ ਅਲਦੀਨ ਐਬਕ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸੋ, ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਡੀ, ਕੁਤੁਬ ਅਲਦੀਨ ਐਬਕ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਲੇਵ ਡੈਨੈਸਟੀ ਦਾ ਵੀ ਫਾਊਂਡਰ ਹੋਏਗਾ, ਸਲੇਵ ਡੈਨੈਸਟੀ ਦਾ ਵੀ ਫਾਊਂਡਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਲੇਵ ਆਫ ਅ ਸਲੇਵ ਇਜ਼ ਅ ਕੁਤੁਬ ਅਲਦੀਨ ਐਬਕ। ਇਟਸ ਅ ਡੀ, ਡੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅਪੋਇੰਟਡ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਪੰਜਾਬ? ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅਪੋਇੰਟਡ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਪੰਜਾਬ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ, ਜੌਨ ਲਾਰੈਂਸ, ਜੌਨ ਨਿਕੋਲਸਨ, ਚਾਰਲਸ ਨੈਪੀਅਰ। ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਨੈਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਟਿਵ,
बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दे उस समय प्रेसिडेंट कौन से के? आंसर इधर होएगा बी जॉन लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस नहीं है, जॉन लॉरेंस जेडे ने वो होंगे बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दे प्रेसिडेंट, जॉन निकोलसन भी नहीं है, ठीक है, जॉन लॉरेंस होएगा। नेक्स्ट चल दे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सिंह सभा, इन्हों विचों केड़ी जेड़ी है सही हैगी है सिंह सभा नू लैके जेड़ी भी इत्थे लिखा गया। हुण देखो इट वॉज फाउंडेड इन 1907 एट लाहौर, पहला हैगा है कि इन्हू 1907 लाहौर विच फाउंड किया गया। दूसरा इट एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द इंटरस्ट ऑफ सिक्स थ्रू एजुकेशन एंड लिटरेचर, इन्हों का मेन एम सीगा कि इन्होंने इंटरस्ट जेडे सिख दे उन्होंने प्रोटेक्ट करना है एजुकेशन ते लिटरेचर दे नाल। इट प्रिस्क्राइब्ड अ सोशल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सिक्स, इन्होंने पूरा एक कोड ऑफ कंडक्ट जिहड़ा सिक्स दे लई ओह प्रिस्क्राइब करना है। डी इट वॉज एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द ओनर ऑफ सिख वूमेन एंड चिल्ड्रन, हुण इहदा सही आंसर दवो। हाँ जी की होएगा इहदा सही जवाब? बी बिल्कुल ठीक, एम इन्हों का सीगा कि इन्होंने सिक्स के इंटरस्ट नू प्रोटेक्ट करना है, जिदे करके बाद में इन्होंने रसाले भी छापने ने, इन्होंने बुक्स बहुत लियाने ने, न्यूज़पेपर लियाने ने, जिदे तक जिदे विच ये हर एक गुरु की बाणी और हर एक गुरु की जीवनी बारे लिखणगे ताकि लोगों नू समझ आवे कि किस समय कोई सिखिज़म सीगा वह अज के टाइम च अलोप हो रहा है। ठीक है, इन्हों का मेन एम सीगा कि इन्होंने एजुकेशन ते लिटरेचर के नाल सिखिज़म नू वापस लेके आना है। ठीक है, 50 क्वेश्चंस दा असी अज कीता है एमसीक्यू, नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस दा जेड़ा एमसीक्यू हैगा या ओ असी लेके आवांगे नेक्स्ट अपनी वीडियो दे विच। ठीक है, ओनी देर तक तुसी चंगी तरह तैयारी करदे रहो, पढ़दे रहो और नेक्स्ट क्विज दे लई दोबारा तो पंजाब जीके एक बारी पढ़ के आना ताकि इस बारी जिवें कुछ कुछ क्वेश्चन तुहाडे गलत होए नहीं असी उन्हां नूं दोबारा कर भी सकदे हां और तुसी अगली बारी क्वेश्चंस दे आंसर फास्ट भी दे पाओ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम असी फिर मिलांगे। Goodbye and all the best for your exams.